नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे चैनल पीसीएम क्यूब पे। माय सेल्फ साइनी वर्मा फ्रॉम एनआईटी अगरतला। हम लोग समुच्चय का जो है चैप्टर वन का जो है एक्सरसाइज करने जा रहे हैं। तो जो फर्स्ट क्वेश्चन है ये आपके लिए लिखा है। इससे पहले जितना थ्योरी हुआ है हम लोग थोड़ा रिवाइज कर लेते हैं, इससे क्वेश्चन करने में आसानी रहेगी। तो हम लोग सबसे पहले सेट को डिफाइन किए थे। सेट क्या होता है? वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं। तो हम लोग उस वस्तुओं के समूह या संग्रह को समुच्चय कहेंगे जो क्लियर कट डिफाइन होगा, जिसके बारे में एग्जैक्टली बताया जा सके कि कोई भी एलिमेंट इसमें है कि नहीं है, ये हम लोगों ने देखा था। तो अभी ये पहला क्वेश्चन उसी पे बेस्ड है, हम लोग देखते हैं। है कि जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह करना क्या आपको, निम्नलिखित में कौन से समुच्चय हैं, अपने उत्तर का औचित्य बताइए। औचित्य बताने मतलब अगर समुच्चय है तो क्यों है, अगर नहीं है तो क्यों नहीं, औचित्य भी बताना है। जे अक्षर से प्रारंभ होने वाले वर्ष के सभी महीनों का संग्रह, तो वर्ष में जो है 12 महीने होते हैं, तो इसमें जे से प्रारंभ होने वाले जितने हैं उसको हम लोग लिस्ट कर सकते हैं, आराम से कर सकते हैं। जे से कौन सा आपका जनवरी हो गया, फिर फरवरी, मार्च, अप्रैल, मई, जून हो गया आपका, फिर जुलाई, अगस्त, सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर। तो जे से प्रारंभ होने वाले कितने मंथ्स हैं आपके, जनवरी, जुलाई, जून। तो ये पहला वाला सेट है कि नहीं है, सेट है, ये समुच्चय है क्योंकि ये क्लियर कट डिफाइन है और इसके जो एलिमेंट्स हैं वो कोई भी किसी से भी आप पूछेंगे दुनिया में तो यही बताएगा। तो ये पहला वाला आपका समुच्चय है, पहला वाला आपका समुच्चय है, ये सुपरिभाषित है, सुपरिभाषित है। और इसका जो आंसर होगा ये क्या हो गया आपका, जनवरी, जून और आपका जुलाई। तो पहला आपका सेट है। दूसरा है भारत के 10 सबसे अधिक प्रतिभाशाली लेखकों का संग्रह। भारत के सबसे अधिक प्रतिभाशाली 10 लेखकों का संग्रह। तो जो लेखक होते हैं नॉवेल या पोएट्री या जो कुछ भी लिखते हैं, उनमें प्रतिभा किस रेशियो में है, किसमें कम है, किसमें ज्यादा है, इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया अपने पास नहीं है, किसी के पास भी नहीं है। अगर 10 लेखकों का नाम बोला जाएगा तो कोई कुछ लिखेगा, कोई कुछ लिखेगा। तो ये जो है सुपरिभाषित नहीं है, सुपरिभाषित नहीं है। क्यों नहीं है? क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक का कोई फिक्स मानक नहीं है, क्योंकि प्रतिभाशाली लेखक का कोई अस्थाई मानक नहीं है, कोई अस्थाई मानक नहीं है कि उस स्टैंडर्ड पे आप जो है किसी को कह पाए कि कौन सबसे ज्यादा प्रतिभाशाली है। किसी के लिए कोई लगता है, कोई जिसने सबसे ज्यादा लिखा हो कोई उसको बोलेगा, किसी ने कम ही लिखा हो लेकिन ज्यादा अच्छा लिखा हो तो कुछ लोग उसको बोलेंगे, और अलग अलग लैंग्वेज में जो है अलग अलग कोई किसी को बोलेगा, कोई किसी को। तो ये जो है सेकंड, ये नहीं है, ये समुच्चय नहीं है, ये समुच्चय है, ये है, ये समुच्चय नहीं है। विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह क्रिकेट के बारे में। तो विश्व के सर्वश्रेष्ठ 11 बल्लेबाजों का संग्रह, आप सर्वश्रेष्ठ आप किस आधार पे बताएंगे, सबसे ज्यादा रन बनाने के आधार पे, कोई बोलेगा सबसे ज्यादा सेंचुरी जिसने बनाया हो, कोई बोलेगा जिसने सबसे ज्यादा मैच जिताया हो, तो इसका कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है। तो ये भी समुच्चय नहीं होगा, ये भी समुच्चय नहीं है, समुच्चय नहीं है। अब कारण आप समझ रहे हैं, क्योंकि जो सर्वश्रेष्ठ होता है बैट्समैन जो है सर्वश्रेष्ठ किस आधार पर देखा जाए, इसका मानक किसी के पास नहीं है, अलग अलग लोग अलग अलग लोग को सर्वश्रेष्ठ बताएंगे, इसीलिए समुच्चय नहीं है। आपके आपकी कक्षा के सभी बालकों का संग्रह,
तो किसी भी क्लास में कितने लड़के हैं ये तो फिक्स है ना, इसका तो लिस्ट बनाया जा सकता है, तो ये समुच्चय है। समुच्चय है क्योंकि ये फिक्स है, किसी को भी आप प्रिंसिपल से बोलेंगे तो भी वही बताएगा, टीचर से बोलेंगे तो भी वही बताएगा, किसी से भी पूछेंगे, क्योंकि ये फिक्स है। 100 से कम सभी प्राकृत संख्याओं का संग्रह, तो 100 से कम, 100 से छोटी जितनी प्राकृत संख्या है, 99, 98, 97, 1 से लेके मतलब 99 तक, तो ये भी फिक्स है। तो ये भी क्या है, समुच्चय है, क्योंकि ये सुपरिभाषित है। प्रेमचंद द्वारा लिखित उपन्यासों का संग्रह, प्रेमचंद जो है अब नहीं है, तो इन्होंने जितने भी नॉवेल लिखे हैं वो तो फिक्स है ना, तो ये भी क्या है, ये समुच्चय है। सभी समपूर्णांकों का संग्रह, तो समपूर्णांक की संख्या जो है इनफाइनाइट होगी, लेकिन हम लोग जानते हैं कि किसी भी सेट में अनंत अवयव भी हो सकते हैं, लेकिन ये सुपरिभाषित है, समपूर्णांक है, तो ये भी क्या है, समुच्चय है, सुपरिभाषित है, ये किसी को भी बोला जाएगा तो वो वही बताएगा, समुच्चय है। इस अध्याय में आने वाले प्रश्नों का संग्रह, तो इस चैप्टर में, चैप्टर 1 के एनसीईआरटी बुक में आपके कितने क्वेश्चन दिए हैं, ये तो क्लियर कट डिफाइन है ना, ये तो सबको पता है ना, क्योंकि बुक जो है वही होती है सबकी, तो क्वेश्चन जो है फिक्स है, उसका आप लिस्ट बना सकते हैं, तो ये भी समुच्चय है, समुच्चय है। विश्व के सबसे अधिक खतरनाक जानवरों का संग्रह, अब जानवर का इसमें क्या करना है, खतरनाक जानवरों का संग्रह, तो कौन जानवर खतरनाक है आप किस हिसाब से डिसाइड करेंगे, इसका भी कोई फिक्स क्राइटेरिया नहीं है, कोई किसी को खतरनाक मानता है, कोई किसी को खतरनाक मानता है, तो ये भी समुच्चय नहीं है, क्योंकि ये सुपरिभाषित नहीं है। खतरनाक जानवर, आप किसी एक पर्टिकुलर जानवर को, आपके लिए हो सकता है वो खतरनाक हो, लेकिन दूसरे के लिए हो सकता है वो उसके साथ खेलता हो, ये हो सकता है, तो ये खतरनाक का जो क्राइटेरिया है जानवर के लिए, पूरी दुनिया में सबके लिए सेम नहीं है, आप जो बोलेंगे कि ये खतरनाक है, हो सकता है दूसरा जो है उसके साथ खेलता हो, यही बात है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका कंप्लीट हो गया, तो हम लोग फिर से बोलते हैं कि जो वस्तुओं के सुपरिभाषित संग्रह को समुच्चय कहते हैं, सीधी सीधी बात है, अगर क्लियरली डिफाइन है, हम लोग उसको लिस्ट कर पा रहे हैं तो वो समुच्चय है, अदरवाइज वो समुच्चय नहीं है। तो आपका ये पहला क्वेश्चन कंप्लीट हो गया, इसके आगे हम लोग और क्वेश्चन देखेंगे। एक्सरसाइज 1 का क्वेश्चन नंबर 2 हम लोग देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 क्या है, लिखा है मान लीजिए a इक्वल टू 1, 2, 3, 4, 5, 6 रिक्त स्थानों में, रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक एप्साइलन अथवा, ये हम लोग इसको क्या पढ़ते हैं, बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू, भरिए इसका पहला पार्ट दिया है 5, फिर डॉट डॉट ए, फिर सेकंड 8, फिर खाली स्थान ए, थर्ड 0, फिर खाली स्थान ए, फोर्थ 4, खाली स्थान ए, पांचवा 2, खाली स्थान ए, छठवा 10, खाली स्थान ए। तो इसमें क्या करना है कि एक सेट आपका दिया है ए, इसमें कितने एलिमेंट है, 1, 2, 3, 4, 5, 6 एक सेट है। अब रिक्त स्थानों में उपयुक्त प्रतीक
बिलोंग टू या नॉट बिलोंग टू ये भरना है। तो हम लोग जानते हैं कि किसी भी समुच्चय में जो अवयव होते हैं, यानी वन अगर सेट ए में है तो हम लोग क्या लिखते हैं कि वन बिलोंग टू सेट ए। इसको क्या बोलते हैं कि वन समुच्चय ए में है, या इसको ऐसे भी पढ़ा जाता है कि वन समुच्चय ए का अवयव है, ए का अवयव है। इसमें देखिए टेन नहीं है तो हम लोग टेन को क्या लिखेंगे, टेन नॉट बिलोंग टू ए। इसका मतलब क्या होगा कि टेन समुच्चय बी में नहीं है, या इसको ऐसे भी बोल सकते हैं कि टेन समुच्चय बी का अवयव, समुच्चय बी का अवयव नहीं है। तो किसी भी सेट में जो एलिमेंट्स होते हैं वो कोई एलिमेंट्स जो है जो दिया है आपका उस सेट में है या उस सेट में नहीं है, इसको हम लोग इस तरीके से लिखते हैं। अगर सेट में है तो ये साइन लिखते हैं, अगर वो एलिमेंट सेट में नहीं है तो इस तरीके से। और इसको पढ़ा कैसे जाता है, तो फाइव देखिए, वन टू थ्री फोर फाइव, सिर्फ फाइव आपका है तो हम लोग, हाँ फाइव आपका सेट ए में है तो फाइव बिलोंग टू सेट ए। एट आपका है नहीं है तो हम लोग क्या इसमें फिल करेंगे, एट नॉट बिलोंग टू सेट ए। जीरो, जीरो भी सेट में नहीं है तो नॉट बिलोंग टू सेट ए। फोर आपका है तो फोर बिलोंग टू सेट ए। टू आपका है तो टू बिलोंग टू सेट ए। टेन नहीं है तो टेन नॉट बिलोंग टू सेट ए। यानी पांच जो है सेट ए का अवयव है, आठ सेट ए का अवयव नहीं है, जीरो सेट ए का अवयव नहीं है, चार सेट ए का अवयव है, दो सेट ए का अवयव है, दस सेट ए का अवयव नहीं है, या ऐसे पढ़े कि दस समुच्चय ए में नहीं है, दो समुच्चय ए में है। तो ये दूसरा क्वेश्चन आपका हो गया कि ये पॉइंट आपका पहले बता चुके हैं कि कोई भी एलिमेंट किसी सेट में है या नहीं है उसको लिखने का ये तरीका होता है। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर थर्ड देखेंगे। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। निम्नलिखित समुच्चयों को रोस्टर रूप में लिखिए। पहला आपका है ए, सभी एक्स, जहां एक्स एक पूर्णांक है, एक पूर्णांक है और एक्स जो है -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। पहला पार्ट हो गया। सेकंड क्वेश्चन, सेकंड पार्ट इसी का क्या है, बी बी इक्वल टू सभी एक्स, जहां एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। सेकंड पार्ट हो गया आपका। थर्ड पार्ट है सी, सेट सी, सभी एक्स, जहां एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है। दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है, जिसके अंकों का योग फल 8 है। ये हो गया थर्ड पार्ट। फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं क्या कह रहा है। डी इक्वल टू सभी एक्स,
जहां x एक अभाज्य संख्या है, जो संख्या 60 की भाजक है। एक अभाज्य संख्या है और जो 60 की भाजक है। पांचवा पार्ट इसका है कैपिटल ई इक्वल टू ट्रिग्नोमेट्री, TRIGONOMET, आर ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। छठा पार्ट है इसका F इक्वल टू वेक्टर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो हम लोगों को क्या करना है, इसमें रोस्टर रूप में लिखना है। रोस्टर रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, अगर समुच्चय निर्माण रूप में लिखा है तो उसको डिकोड करके हम लोग क्या करते हैं, सारे एलिमेंट्स को लिस्ट बना लेते हैं, वही होता है आपका रोस्टर रूप। तो पहला है कि एक्स एक पूर्णांक है और एक्स -3 से बड़ा है और 7 से छोटा है। तो हम लोग जब ए यहाँ पे लिखेंगे समुच्चय निर्माण रूप में, तो हम लोग सारे एलिमेंट्स लिखने की कोशिश करते हैं। एक्स क्या होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए और -3 से बड़ा। तो -3 से बड़ा जो पहला पूर्णांक आएगा ये आपका क्या आएगा, -2, फिर अगला पूर्णांक -1, फिर अगला पूर्णांक 0, फिर 1, 2, 3, 4, 5, 6। अब हम लोगों को क्या करना है, 6 पे स्टार्ट कर देना, क्योंकि 6 के बाद 7 आएगा और 7 इसमें इंक्लूड नहीं है, 7 से छोटा होना चाहिए। तो धन सॉरी पूर्णांक होना चाहिए और -3 से बड़ा और 7 से छोटा, तो आपका ये रोस्टर रूप में हो गया। सेकेंड पार्ट हम लोग करते हैं, एक्स संख्या 6 से कम एक प्राकृत संख्या है। तो जो बी सेट है आपका 6 से कम प्राकृत संख्या, तो 6 से कम पहली प्राकृतिक संख्या 4, 5, 4, 3, 2, 1, ये हो गया आपका। सी पार्ट है, एक्स दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। इसमें हम लोग क्या लिखेंगे कि दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या है जिसके अंकों का योगफल 8 है। तो हम लोग ऐसे कितने जो है दो अंकों की संख्याएं बना सकते हैं जिनके अंकों का योगफल क्या हो, 8 हो। तो हम लोग शुरू करते हैं, एक नंबर हो गया आपका 80, ये दो अंकों की प्राकृत संख्या है और इनके अंकों का योगफल क्या है, 8 है। अब हम लोग 8 में एक कम करते हैं और यहाँ पे ये करते हैं 7, 1, फिर 7 में एक कर देते हैं, इसमें एक बढ़ा देते हैं 6, 2, फिर इसको 5 कर लेते हैं ये हो जाएगा 3, फिर इसको 4 कर लेते हैं ये हो जाएगा 4, फिर इसको 3 कर लेते हैं और ये हो जाएगा 5, फिर इसको हम लोग सॉरी 2 कर लेते हैं और इसको 6, और फिर क्या कर लेते हैं 1, 7। अब अगला 0, 8, 0, 8 तो एक एक अंकों की संख्या हो जाएगी, तो ये तो लिया नहीं जाएगा, तो इतने तो ये हो गए। अब इसमें देखिए हम लोग ये सारे नंबर्स हो गए जो दो अंकों की प्राकृत संख्याएं हैं और जिनके अंकों का योगफल 8 है, 80, 71, 62, 53, 44, 35, 26, 17। तो दो अंकों की ऐसी प्राकृत संख्या जिनके अंकों का योगफल 8 है, इतनी संख्याएं हो गई। ये वाला डी पार्ट क्या है, डी पार्ट कह रहा है सभी एक्स जहां एक्स एक अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक है। 60 की भाजक है यानी अभाज्य संख्या होनी चाहिए और 60 की भाजक होनी चाहिए, यानी वो संख्याएं 60 को डिवाइड भी करें। तो पहली संख्या क्या हो गई जो 60 को डिवाइड करती है और अभाज्य है, ये 1 हो गया। 2 तो आपका अभाज्य है नहीं, 3, 3 हम लोग देखते हैं ये अभाज्य संख्या है और 60 को डिवाइड करती है 3, 4 की बात ही नहीं करेंगे क्योंकि ये अभाज्य संख्या नहीं है। 5, 5 अभाज्य संख्या है,
अभाज्य संख्या का मतलब होता है जो अपने आप और एक के अलावा किसी से ना कटे, उसको अभाज्य संख्या बोलते हैं मोटे तौर पे। तो 5 हो गया 6, फिर 7 से डिवाइड नहीं होगा, फिर 8 भी अभाज्य नहीं है, 9 9 से डिवाइड नहीं हो रहा है और 9 अभाज्य भी नहीं है, 10 हो गया, 11 12, फिर 13 से भी नहीं डिवाइड होगा, 14 की बात ही नहीं करेंगे, 15 अभाज्य नहीं है। तो इसको आसानी से करने के लिए हम लोग क्या करते हैं, 60 के अभाज्य गुणनखंड निकाल लेते हैं। तो 2 से जब डिवाइड करेंगे तो ये 30, फिर 2 से डिवाइड करेंगे 15, फिर 3 से ये 5, 5 से 1, तो 1 3 5, 1 3 5 के अलावा कोई और संख्या नहीं। अभाज्य गुणन खंडन का मतलब क्या होता है कि वह सारी संख्याएं जो अभाज्य गुणन खंडन, वह सारी अभाज्य संख्याएं जो उस संख्या को डिवाइड करती हैं, उसको अभाज्य गुणन खंडन बोला जाता है। तो हम लोग 2 3 और 5 और 1 के अलावा कोई ऐसी संख्या नहीं है जो 60 को डिवाइड करती हो और अभाज्य भी हो। तो ये डी पार्ट का आंसर आपका हो गया 1 3 5। ये देखिए सारे एक्स जो है ये अभाज्य संख्या है और 60 की भाजक भी है। पचवा पार्ट हम लोगों का क्या कह रहा है कि ट्रिग्नोमेट्री शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय है। तो हम लोग जानते हैं कि अगर इसमें ये बनाना हो किसी भी शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय, तो इसमें कोई शब्द रिपीट नहीं करते, बस ये आपका टी हो गया, फिर आई आर, फिर आई, फिर जी, फिर ओ, फिर एम, अब फिर ओ आ रहा है तो ओ को हम लोग नहीं लिखेंगे, फिर एम, फिर ई, फिर टी आ रहा है तो टी को नहीं लिखेंगे, आर आर लिख चुके हैं हम लोग, फिर वाई। तो ये जो है आपका पांचवा पार्ट हो गया। छठे पार्ट का आंसर क्या होगा, बेटर शब्द के सभी अक्षरों का समुच्चय। तो इसमें बी हो गया, ई हो गया, टी 2 बार आ रहा है तो हम लोग क्या लिखेंगे, 1 बार लिखेंगे, क्योंकि रोस्टर रूप में लिखते समय हम लोग क्या करते हैं, रिपीट नहीं करते हैं। कोई भी जो लेटर आता है या कोई भी किसी भी समुच्चय को रोस्टर रूप में लिखते समय उसके किसी भी अवयव को दोबारा नहीं लिखा जाता है, तो इसमें यही करना है। तो ये आपका थर्ड क्वेश्चन कंप्लीट हो गया। इसमें फोर्थ क्वेश्चन हम लोग देखते हैं। फोर्थ क्वेश्चन आपका है, निम्नलिखित समुच्चयों को समुच्चय निर्माण रूप में व्यक्त कीजिए। पहला आपका है इसमें 3 6 9 12, सेकंड पार्ट आपका है 2 4 8 16, 2 4 8 16 32, थर्ड पार्ट आपका 5 25 125 625, फोर्थ पार्ट है आपका 2 4 6, और ये आनवर्ड, पांचवा पार्ट है 1 4 9, और ये 100 तक। इसको हम लोगों को क्या लिखना है, समुच्चय निर्माण रूप में लिखना है। तो हम लोग सबसे पहले जो है फर्स्ट पार्ट देखते हैं। थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व, तो समुच्चय निर्माण रूप में लिखने के लिए हम लोग क्या करते हैं, समुच्चय निर्माण रूप में लिखा जाता है। तो प्रॉपर्टी ढूंढते हैं कि कौन सी ऐसी प्रॉपर्टी है जो समुच्चय के सभी अवयव में है और समुच्चय के बाहर के अवयव में वो प्रॉपर्टी नहीं है। तो 3 6 9 12 में आपको क्या लिख रहा है कि जो थ्री है वो क्या है, 3 × 1 है,
फिर सिक्स क्या है, थ्री इंटू टू है, फिर नाइन क्या है, थ्री इंटू थ्री है, ट्वेल्व क्या है, थ्री इंटू फोर है, यानी जो ये यहाँ पे थ्री सिक्स नाइन ट्वेल्व सारे तीन के गुणज हैं, तीन के गुणज हैं। एक बात ये हो गई कि तीन के गुणज हैं, जितने नंबर्स लिखे हैं जितने एलिमेंट हैं सभी तीन के क्या हैं, गुणज हैं, तीन छ नौ बारह। तो हम लोग इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, तो क्या लिखेंगे, सभी x जहां x तीन का गुणज है, तीन का गुणज है, बस इतना अगर हम लोग लिख के कर दिए बंद कर दिए, तो सभी x जहां x तीन का गुणज है, तो तीन के गुणज आपके बारह पर थोड़ी खत्म हो जाते, तीन छह नौ बारह फिर पंद्रह फिर अट्ठारह इक्कीस ही इनफाइनाइट तक चलता जाएगा, लेकिन इसमें ट्वेल्व तक है। तो हम लोग क्या लिखेंगे, तीन का गुणज है, इसको हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं कि तीन का गुणज है, तीन का गुणज है मतलब कि एक्स इक्वल टू जहां एक्स इक्वल टू सभी एक्स जहां एक्स इक्वल टू थ्री इंटू एन मल्टीपल आप थ्री, तीन के गुणज का मतलब हम लोग क्या लिखते हैं, थ्री इंटू एन, और n क्या है, नेचुरल नंबर है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, तीन का गुणज। कहीं पे तीन का गुणज लिखना हो तो उसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, थ्री इंटू एन, और n क्या है, नेचुरल नंबर है। ये मैथमेटिकल तरीका हो गया तीन का गुणज लिखने का, थ्री इंटू एन और n क्या है, प्राकृत संख्या, x इक्वल टू थ्री एन और n बिलोंग टू n। अब भी बात वही है कि n belong to n होगा, n अगर natural number होगा तो सारे इसमें तीन के गुणज आ गए, तो n, अब इसमें हम लोग क्या करेंगे, इसमें n की वैल्यू वन रखेंगे तो पहला आएगा, n की वैल्यू दो रखेंगे तो दूसरा, तीन चार, तो n की वैल्यू हम लोग केवल क्या कर सकते हैं, यहाँ पे वन से लेके केवल फोर तक, वन और फोर पे क्या है, इक्वल लगा है, यानी n की वैल्यू 1 हो सकती है और n की वैल्यू 4 हो सकती है। तो इसमें हम लोग क्या लिखेंगे, पहले वाला सर्कुलर फॉर्म में क्या हो गया, समुच्चय निर्माण रूप में, तीन का गुणज है x equal to 3n और n belong to natural number और n 1 से बड़ा और उसके बराबर और 4 से छोटा और उसके बराबर हो गया। तो पहला हो गया हमारा समुच्चय निर्माण रूप। फिर दूसरा देखते हैं, दूसरा पार्ट हम लोगों का आंसर में देखते हैं, आंसर सेकंड पार्ट का, ये आपका जो दिया है 2 4 8 16 32, तो 2 4 8 16 32 इसमें क्या प्रॉपर्टी है, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, टू फोर एट सिक्सटीन थर्टी टू, इसमें हमको क्या करना है, एक ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढना है जो टू में भी हो, फोर में भी हो, एट में भी हो, सिक्सटीन में भी और थर्टी टू में भी हो। तो इसमें जो शुरू में आपको थोड़ा दिक्कत हो सकता है प्रॉपर्टी ढूंढने में, एकदम से स्ट्राइक नहीं होगा आपको देख के कि क्या प्रॉपर्टी है, लेकिन थोड़ा एक्सपीरियंस जब होता जाएगा तो आपको पता चलता जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी है। थोड़ा सा आप खुद से बनाने की कोशिश करेंगे, ऐसे कुछ देखिए कि टू का मल्टीपल है, नहीं टू का मल्टीपल नहीं है क्योंकि दो होगा, फिर चार, फिर छः, फिर आठ, फिर दस, ऐसे होता तो दो का गुणज होता, लेकिन ऐसा कुछ नहीं है। तो इसमें क्या प्रॉपर्टी है हम लोग देखते हैं, जो टू है ये क्या है, टू के पावर वन है, फोर क्या है, टू के पावर टू है, एट क्या है, टू के पावर थ्री है, सिक्सटीन क्या है, टू के पावर फोर है, थर्टी फाइव क्या है, टू के पावर फाइव है। तो ये जो सारे नंबर्स लिखे हैं ये क्या है, टू के पावर समथिंग, टू के पावर समथिंग यानी टू के पावर एन के फॉर्म के हैं, और एन क्या है, नेचुरल नंबर है, और उसकी वैल्यू कहां से कहां तक है, वन से लेके फाइव तक। तो ये सारे जो नंबर हम लोग इसको समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, सभी एक्स जहां एक्स इक्वल टू क्या है, टू के पावर एन और एन बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और नेचुरल नंबर और n की वैल्यू जो है वन से लेके केवल फाइव तक होगी।
ये आपका पूरा हो गया सभी x, जहां x इक्वल टू क्या है 2 के पावर n, और n क्या होगा नेचुरल नंबर होगा, सारे नेचुरल नंबर नहीं होंगे क्योंकि हमको n की वैल्यू 1 रखेंगे तो पहला, 2 रखेंगे तो दूसरा एलिमेंट, 3 रखेंगे, 4 रखेंगे, 5, यानी n की वैल्यू जो है 1 से लेके 5 तक केवल होगी। तो ये अपना दूसरा क्वेश्चन का आंसर हो गया। थर्ड पार्ट हम लोग देखते हैं, थर्ड पार्ट क्या है आपका, जो एलिमेंट्स दिए हैं 5 25 125 625, तो ये क्या है 5 5 का गुणज नहीं है, सेम पैटर्न है। हम लोग क्या ऐसी प्रॉपर्टी ढूंढते हैं जो एक पैटर्न से 125 625, तो 5 को हम लोग क्या लिख सकते हैं 5 के पावर 125 को 5 के पावर 2, 125 क्या 5 के पावर 3, यानी 25 पंचे 125, और 625 क्या 5 के घात 4 25 पंचे 125 पंचे 625। तो ये सारे जो लिखे हैं हम लोग इसको जो समुच्चय निर्माण में लिखेंगे, सभी x जहां x इक्वल टू क्या है, अभी पहले हम लोग लिखे 5 के पावर n, और n क्या है बिलोंग टू नेचुरल नंबर, और n की वैल्यू जो है 1 से लेके 4 तक होगी। ये आपका हो गया x इक्वल टू 5 के पावर n, जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n ग्रेटर देन इक्वल टू 1 लेस देन इक्वल टू 4। यानी ये जो सारे एलिमेंट्स लिखे हैं ये 5 के पावर नेचुरल नंबर लिखे हैं, और वो कहां से कहां तक 1 से लेके 4 तक। थर्ड पार्ट आपका हो गया, फोर्थ पार्ट हम लोग देखते हैं, फोर्थ पार्ट क्या है 2 4 6, और ये क्या रहेगा 2 4 6, तीन एलिमेंट दिए हैं, इसकी क्या प्रॉपर्टी है, ये 2 के मल्टीपल लिखे हैं, 2 के गुणज, पहला क्या है 2 गुणे 1, दूसरा क्या है 2 गुणे 2, तीसरा क्या है 2 गुणे 3। तो इसको जब हम लोग समुच्चय निर्माण रूप में लिखेंगे, सभी x का समुच्चय जहां x क्या है 2 का गुणज है, और x 2 का गुणज है, इसको हम लोग कैसे लिखते हैं 2 into n, और जहां n क्या है, जहां n बिलोंग टू नेचुरल नंबर और n की वैल्यू, हाँ इसमें तो सारे आ गए क्योंकि ये इनफाइनाइट तक है, तो सारे नेचुरल नंबर हो गए, n की वैल्यू 1 2 से लेके इनफाइनाइट तक से चले जाओगे सारे। अगर यही ये केवल अगर मान लेते 10 तक होता तो हम लोग क्या करते n की वैल्यू यहाँ पे लिखते कि 1 से लेके 5 तक है। तो ये हो गया आपका, सिर्फ एक पार्ट और बचा है इसका, 1 4 9, और ये कहां तक है ये 100 तक। तो इसकी प्रॉपर्टी हम लोग देखते हैं 1 4 9, 1 क्या है 1 का स्क्वायर, 4 क्या है 2 का स्क्वायर, ये 3 का स्क्वायर, ये 10 का स्क्वायर, तो ये सारे नेचुरल नंबर के स्क्वायर लिखे हैं। तो इसको हम लोग लिखेंगे सभी x का समुच्चय जहां x क्या है x इक्वल टू n स्क्वायर है, और n क्या है n बिलोंग टू n नेचुरल नंबर होने चाहिए, और नेचुरल नंबर कहां से कहां तक n की वैल्यू 1 से लेके 10 तक। तो हम लोगों ने इसमें देखा कि समुच्चय निर्माण रूप में कैसे लिखते हैं, पहले शुरू में थोड़ा थोड़ा आपको आइडिया आना शुरू होगा, प्रैक्टिस करेंगे तो आइडिया ही अपने आप बनता चला जाएगा कि क्या प्रॉपर्टी है, और थोड़ा लिखना सीखेंगे कि मैथमेटिकली किसी चीज को कैसे लिखा जाता है। तो इसके बाद हम लोग आगे जो है नेक्स्ट क्लास में करेंगे, इसको यहीं तक रखते हैं।